अपनी बकवास बंद करो और बताओ कि अब क्या चाहते हो तुम। दस लाख रुपए कैश और तुम्हारे साथ एक कप कॉफी। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, तुम कैश लेने के बाद सारी तस्वीरें डिलीट कर दोगे। बेबी, शर्त रखने की पोजीशन में तुम नहीं हो, मैं हूं। और बेफिक्र रहो, इस बात की गारंटी है कि मैं वायरल नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी एक अच्छी सी पिक्चर मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ, तुम देखोगे तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जी उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे हैं? बस उस्मान भाई, कल पेमेंट किसी वक्त भी ले जाइएगा आप। हाँ हाँ, कल हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। अरे उस्मान भाई, दो माँ नहीं हुए, एक माँ हुआ है, आप तसल्ली कर लें। आप तो गुस्सा ही कर रहे हैं। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, स्केड्यूल बहुत टाइट है, आपको तो पता है कि मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। चलें मैं, अरे आप रिलैक्स हो जाए, मैं करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ हाँ, मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ ना। ओके बाय। आफ्ताब, तेरा काउंटर संभालो आगे, वो उस्मान साहब की पेमेंट करनी है, घर से कैश लेके आ रहा हूँ, पिछली पेमेंट भी बाकी रहती है, ख्याल रखना अब। ओके सर, मैं देख लेता हूँ। साइड पे एक सीटिंग एरिया है जहां पे लोग भी बैठते हैं। वहां पे बैग रखो और चुपचाप ऊपर चली जाओ, पीछे मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। ठीक है। मारिया, मारिया पता नहीं कहां चली। मारिया चले जी। बलुंगड़िया, नादर खान साहब की जरा वेस्ट चेक कर। 44 सा खिंच के। सर जी, एवरीथिंग डन।
तहरली कद 5'6", वेस्ट 36, सफदरजदून 5'6" कद, वेस्ट 35, पूरा का ऊपर। शाकर साई 5'8" कद, वेस्ट, ये तो वेस्ट ही है। कामरान शाह रैंक सिपाही कद 5'7", वेस्ट 31। दिलदार खां कद 5'7", वेस्ट। सर जी, इसकी पमैश करते हुए तो मेरा हासा निकल जाता है सर। और फिर SHO साहब माशाल्लाह फिट फाट है सर जी, बस जरा वेस्ट 44 है सा खिंच के। ठीक है करमजाद, अब तुम जाके वहां खड़े हो जाओ। ओके सर। तुम्हारी वेस्ट कितनी है? सर जी सा खिंच के 35 और टेलर करके 42। वसीम, दिलदार और कामरान के अलावा सब ओवरवेट है। आज से सब डाइट करेंगे और जिम में एडमिशन लेंगे। एक महीने के अंदर मुझे सबकी वेस्ट 2 इंच कम चाहिए। मैं कल सबसे पूछूंगा, खास तौर पे आपसे। करमजाद, हेलो, करमजाद स्पीकिंग। हाँ, वह लक अकाउंट से लगता है तुमको? अच्छा अच्छा अच्छा, दिन दहाड़े। हो सर जी, चिट्टे दिन डंका पड़ गया। कहाँ, कब हुआ ये सब? मुझे आज किसी की पेमेंट करनी थी, घर आया, अलमारी खोली लेकिन खाली थी। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कोई चोरी वगैरह? नहीं सर, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वजह तलब बात तो यह है कि चोर ने सिर्फ अलमारी से 10 लाख रुपए उठाए, घर में और भी तो कीमती सामान है, वो क्यों नहीं उठाया? ये चोर कोई घर का भेदी है। हारून, क्या हुआ है? पुलिस क्यों आई है घर पे? अलमारी से 10 लाख रुपए चोरी। आज से पहले तो कभी छोटी मोटी चोरी हुई नहीं, लेकिन आज अचानक 10 लाख रुपए की चोरी, ताज्जुब है। ये मैडम साहब कौन है? तो ये मेरी मिसेज है मारिया। घर का बेदी अगर चोर हो तो रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। ये आंखों कलर से छोटों का जुम्बिश और हाथ का हरकत, थोड़ा कंट्रोल करें। हम पुलिस वाले हैं, एक नजर में देख के बता देते हैं कि पर्दे के पीछे कहानी क्या चल रहा है। इस घर में और किस किस का आना जाना है? काम वाली मासी का, वो आज आई भी नहीं है। मुझे लगता है ये जरूर उसी का काम है। मिस्टर अरुण, आप बेफिक्र हो जाए, चोर पुलिस से ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। आई होप सो सर। चलो। सर, जो कुछ मैं सोच रहा हूं क्या आपके दिमाग में भी वही चल रहा है सर? यही कि चोरी अरुण की बीवी मारिया ने की है। यस सर। नादिर हुसैन, तुम चोर पकड़ रहे हो और मैं चोरी करने की वजह तलाश कर रहा हूं। दिलदार खान। यस सर। तुम जाके मासी को ढूंढो। यस सर। नादिर, तुम आओ मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम। ये माँ से पूछ रहे का घर किधर है? दरवाजा तो खुला हुआ है, अंदर कोई नहीं, अंदर चले। एक मिनट। कोई है? कोई है? इस घर में से किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, आज तो मासी बुशरा भी नहीं आई दुकान पर। मासी बुशरा रोज आती थी तुम्हारी दुकान पर? जी सर, चाय दूध चीनी पत्ती लेने। चाय बहुत शौक से पीती थी ना वो। वैसे दीनू रिक्शे वाला बता रहा था कि कल वो बड़ी मार्केट से काफी सौदा लेके आई है। दीनू रिक्शे वाला किधर मिलेगा? दीनू रिक्शे वाला सर इसी गली के कोने पे खड़ा रहता है, बच्चा बच्चा जानता है उसे। बहुत कमीना आदमी है, अपने 5-10 रुपए भी किसी पे नहीं छोड़ता। वैसे हुआ क्या है सर? कत्ल हुआ है, तुम्हारी पक्की कस्टमर मासी बुशरा का कत्ल। सर सर, हम मासी बुशरा के घर पहुंचे तो इधर उसका डेड बॉडी मिला है। ये सर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया, वो रास्ते में ही है। सर हमको तो ये मर्डर का केस लग रहा है। यस सर। बात सुनो, ये दीनू रक्षे वाला किधर मिलेगा? क्यों साहब, आपके भी बताए लेकर वो चक्कर हो गया क्या? एक दफा मिल जाए ना फिर बताता हूँ मैं उसे। अभी 2 मिनट पहले तो सवारी लेके गया यहाँ से। झूठ बोलता है? हैं? ऐसे चनादम सेन से रंगबाजी? सीधी तरह बताओ किधर है वो, नहीं तो तुम्हें भी अवलाद की सैर कराऊंगा। नहीं नहीं, मैं ही हूँ दीनू। लेकिन साहब मैं तो 10-20 रुपए मारता हूँ, कसम से मैंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया। मासी बुशरे को कल रात तुम ही मार्केट लेके गए थे ना? हाँ जी, मैं ही ले गया था। चल फिर थाने, चल चल आ जा सीधा। मैं अब तुम्हारी कोई डिमांड पूरी नहीं करूंगी। एक शाम और फिर किस्सा तमाम। ये मत भूलो कि मैं पुलिस को भी बता सकती हूँ। पुलिस तो वैसे भी आने वाली होगी तुम्हारी तरफ। सुना है मासी बुशरा का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो? ये भी जरूर तुमने किया होगा। कल शाम मासी बुशरा को 50,000 रुपए तुमने दिए थे ना? वीडियो है मेरे पास। 10 लाख रुपए चोरी कर सकती हो ना तो कत्ल भी करवा सकती हो तुम। आखिर तुम चाहते क्या हो? वही, एक शाम और फिर किस्सा तमाम। सर इसकी मौत 20 घंटे पहले हुई है और इसकी गर्दन पे पीछे से वार किया गया है अचानक। यानी गुज़श्ता रात मासी बुशरा के घर में वापस आने से पहले ही कातिल घर में मौजूद था। उसने पीछे से गर्दन पे वार किया सर, और ये देखिए ये पर्स, इसके अंदर ये पैसे थे, वहीं फेंक कर चला गया। ये नोट उन 10 लाख रुपयों में से होंगे जो हारून के घर से चोरी हुए। ये चोर हमें मासी में उलझाकर कुछ और करना चाहता है। अगर क्या मिसानी आप एक काम करें, इन नोटों पर लगे फिंगरप्रिंट्स चेक करें और मुझे बताएं। यस सर। देख बच्चों, मैं आदमी हूं बहुत टेढ़ा, इसलिए जिस तरह तू तेजी से रक्षा चलाता है ना, फटाफट उसी तेजी से पूरी कहानी सुना दे। मुझे बुशरा मासी उस शाम किसी से मिलने गई थी जी। खेत से
कोई लड़की थी जी, उस लड़की ने बुशरा मासी को कुछ दिया भी था जी। क्या दिया था? ये तो मैं नहीं देख सका जी, लेकिन हाँ बुशरा मासी ने रक्षा में बैठते ही मुझे कहा कि मालकन बहुत अच्छी औरत है, उसने एक महीने का छुट्टी भी दिया उसको और साथ में 50,000 रुपये भी दिए जी। अब आप ही बताएं ना जी, आजकल के दौर में ऐसा कौन करता है भला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी वो हम मार्केट गए जी, सौदा खरीद के वापस घर आ गए थे। लड़की को पहचानता है? मुझे दूर से ही पहचान लूंगा। तो बस सर ठीक है, हम इसको लेके जाते हैं, उस लड़की का स्केच बनवाते हैं इसे। लेके जा। चलो आ जाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। क्या कमी थी तुम्हारे लिए? क्या कमी थी? मेरा प्यार, मेरा पैसा, सब कुछ तो था तुम्हारे लिए, सब कुछ तो हाजिर था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने अपने ही घर में चोरी कर ली, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। बस जुबान से एक और लफ्ज भी निकाला ना तो मैं अपना जब खो दूंगा। तुम बस यूं करो कि अभी इसी वक्त मेरी जिंदगी से और इस घर से निकल जाओ। अरुण प्लीज, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज चलो निकल जाओ मेरे घर से। अरुण मेरी बात, निकल जाओ मेरे घर से। मेरी जिंदगी से और इस घर से निकल जाओ। इस दानिया, फर्ज करें कि आपकी शादी हो गई है और आपका हस्बैंड बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग है, अच्छा घर है आपके पास, गाड़ी है, जिंदगी आपकी मर्जी के मुताबिक चल रही है, लेकिन फिर भी आप घर में चोरी करती हैं, तो वजह क्या होगी? बेवफाई या फिर? सर औरत अगर बेवफाई करने पर उतर आए तो वो अपने शौहर का पैसा लेकर कभी घर वापस नहीं आती। मासी बुशरा आखिरी बार दीनू के साथ गई थी और दीनू ने जिस औरत से मासी बुशरा को बात करते देखा था वो हारून की बीवी मारिया है सर, और हमें ये बात उस स्केच से पता चली जो दीनू ने बनवाया है। नादर सर, मेरा ख्याल है तुम्हें मारिया से मुलाकात कर लेनी चाहिए। राइट सर। ऐसा क्यों किया मारिया? क्यों किया ऐसा मारिया? कॉल आपने किया था? जी सर, मैंने कॉल की थी सर। ये देखिए ना, मेरी बीवी ने एक गोलियां खा ली। ये मर्डर का केस भी तो हो सकते हैं? नहीं 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 सर, ये मर्डर नहीं हो सकता सर, खुदकुशी की है उसने। और ये देख, ये वो गोलियां, ये सबूत है ना सर आपके सामने? बिल्कुल सबूत तुम्हारे पास भी बहुत है। ये स्केच वो रक्षा ड्राइवर ने बनवाया है आपकी बेगम का है, और ये उसी रात का है जिस दिन आपके बेगम ने उस मासी को 1,000 रुपया दिया था। मारिया ने मासी को 1,000 रुपए दी? सिर्फ यही नहीं, उस रात मासी का मर्डर भी हुआ है, और डेड बॉडी के पास से जो नोट मिला है उसमें जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपका इस मरहूमा बेगम का था। मारिया का डेड बॉडी जब लैब जाएगा तो सब पता चल जाएगा। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ।
सर सर इधर तो केस ही उल्टा हो गया है। सर कातिल खुद ही मकतूल हो गया है। यस सर। ओके सर। सर मारिया को वाकई कोई ब्लैकमेल कर रहा था। मैसेजेस व्हाट्सएप की गई तस्वीर के लिए मुख्तलिफ नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है और वो नंबर्स अब बंद हैं। जी सर। यस सर। ओके मैम। हेलो। रोक मनाने की जरूरत नहीं है तुम। तुम्हारा ही अंदाज अपनाया मैंने। कौन हो तुम? ये सब क्यों किया तुमने? मैं कौन हूं ये तुम कभी जान नहीं पाओ, मगर मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने बिल्कुल वही किया जो तुम दूसरी औरतों के साथ करते थे। याद करो, अपना एक एक गुनाह याद करो। याद आया? फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम मजलूमों के कटहरे में खड़े, मगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मजलूम बनने नहीं दूंगा। तुम्हारा अंजाम इतना इबरतनाक होगा कि दुनिया देखेगी। इंतजार कर, आ रहा हूं। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, तुम्हारा अंजाम इतना इबरतनाक हो कि दुनिया देखे। इंतजार कर, आ रहा हूं। ऐसा तो साफ से मिलने। खुदा के लिए सर मुझे बचा ले सर। वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा वो। मैं मरना नहीं चाहता सर। रिलैक्स, कोई नहीं मारेगा तुम। मैं सब कुछ कबूल कर लूंगा सर, सच 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 बता दूंगा सब कुछ सर। मुझे बचा ले। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नजर से लेकर साहब जो पूछे फिर बताना। चलो सब सच सच बताऊंगा सर। अब बताओ, तुमने ऐसा क्या किया कि कोई तुम्हें मारना चाहता है? सर मेरी बुटीक है, ट्राई रूम में मैंने खुफिया कैमरे लगाए हुए मैं लड़कियों की पिक्चर्स और वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करता था मैं, लेकिन कुछ दिन पहले। ये वाला कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। वन मिनट। और ये वाला? ये तो उससे भी प्यारा है और तुम पर तो और भी प्यारा लगेगा। लड़कियों को ना तारीफ अच्छी लगती है, मगर हर वक्त की तारीफ पर ना झूठ का गुमा होने लगता है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पहन के चेक कर लो। ट्राई रूम कहाँ है? ट्राई रूम इस तरफ। मैं चेक कर। आ जाओ आ जाओ।
रखो, मैं चेंज करके आती हूँ। कैसी लग रही हो? मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ तुम। मैंने कहा था ना तुम पे ड्रेस बहुत सूट करेगा, तो फिर एक और ड्रेस ले लूँ? जितने यहाँ पे ड्रेस है ना सारे खरीद लो। चलो मैं चेंज करके आई, ठीक है? ये पैक करना। हाँ ये वाला। वो जो मैंने वो देखा था ग्रीन वाला, वो भी अच्छा था ना? हाँ ग्रीन वाला भी ठीक था, लेकिन ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अगर कोई और भी पसंद करने कर लो। नहीं जितने सूट लेने बस यही ठीक है। यही पक्का? मुझे बचपन से फोटोग्राफर बनने का बड़ा शौक था, लेकिन बन नहीं पाया। वेरी सैड ना? लेकिन एक बात है, आप तो मानती हैं ना कि मैं कितना अच्छा फोटोग्राफर हूं। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए, क्या चाहिए? 10 पिक्स हैं, 10 लाख तो बनते हैं एटलीस्ट। और हाँ, और एक शाम सिर्फ मेरे नाम। और हाँ, याद आया कि अपने मंगेतर को कॉल करने से पहले तसल्ली से सोच लेना कि अगर ये पिक्चर्स वायरल हो गई तो फिर क्या होगा? उम्र भर तुमसे कोई शादी तो करेगा नहीं, है ना? सोच लो। और हाँ, याद आया कि अपने मंगेतर को कॉल करने से पहले तसल्ली से सोच लेना कि अगर ये पिक्चर्स वायरल हो गई फिर क्या होगा? उम्र भर तुमसे कोई शादी तो करेगा नहीं, है ना? सोच लो। पैसे लेकर कहाँ आना है? वक्त और जगह बताओ। कहाँ आना है? कहाँ? नाइट्स होटल रूम नंबर 310 कल 11:30 बजे। हाथ नीचे कर। दिल तो चाहता है कि तुझ जैसे हैवान का भी एनकाउंटर कर दूं यहां पर, लेकिन ये वर्दी मुझे रोक रही है। तुझे वही कानून सजा देगा जिसने मुझे ये वर्दी पहनाई है। हाथ नीचे कर। गलती होगी सर। नादिर हुसैन। यस सर। लेके जाओ उसे और इसकी हिफाजत करना। अनीस के हाथों नहीं मरना चाहिए ये। मार देगा मुझे। इसकी सजा एक बार मरने से पूरी नहीं होगी। लेके जाओ उसे। मार देगा मुझे। Thank you.
सर वो आ रहा है। ठीक है। लड़शपे खबर तक मिस्थोर माला रवड़ा ताजा ताजा गोलवना द्रेस लोर माला रवड़ा ताजा ताजा गोलवना द्रेस लोर माला रवड़ा। रोको, किधर जा रहे हैं मुंह उठा के? हारून साहब ने पिज्जा ऑर्डर दिया, वो देने जा रहा है। डब्बा खोल के दिखाओ क्या है इसमें। खान साहब, डब्बा खोलेगा तो वो हमको पैसा नहीं देगा। जब तक डब्बा नहीं खोलेगा तेरे को अंदर नहीं जाने देगा। खोलो। मैं रास्ते से डरा, वरना जान से मार दूंगा। पठान को बंदूक से डरा रहा है, मारो गोली। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच मार दूंगा। पीछे तो देखो। हाथों पर करो, हाथों पर पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। अभी चल के तेरे को पिज्जा खिलाते हैं, लेके चलो इसको, चलो चलो। आयशा यूनिवर्सिटी से ही साथ थे, अब हमारी शादी होने वाली थी। वो बहुत खुश थी, शादी की शॉपिंग, तैयारियां, हर काम बहुत खुशी के साथ कर रही थी वो। मुझे आयशा से कभी कभी कोई शिकायत नहीं रही। हाँ हाँ, मगर वो मुझसे हमेशा एक गिला किया करती थी, वो ये कि आजकल के लड़कों वाली तो कोई बात ही नहीं है तुम में। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम कभी नहीं पूछते किधर हो, क्या कर रही हो, ना कोई पाबंदी लगाते हो, ना शक करते हो। बोरिंग लव स्टोरी बना के रख दिए तुमने। देखो मेरी बात गौर से सुनो, तुम मेरी मंगेतर हो, गर्लफ्रेंड नहीं है। और शक वहां होता जहां पे ट्रस्ट नहीं होता। तुम्हारी मोहब्बत से मुझे इतनी ताकत मिली है कि शक करने का तो बहुत दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता। और मेरा ये ट्रस्ट कभी तोड़ नहीं। और अगर तोड़ दिया तो? मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिंदगी में पहली बार मैंने उस पे शक किया, जिसको मैं एक मैसेज करूं मुझे बार 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 मैसेज करना शुरू कर देती थी। वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही थी और मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। मैं डर गया। ऐसा उसने कभी भी नहीं किया था। उसके घर गया तो जाके देखा कि वो उस दरिंदे ने मेरी आयशा को मुझसे छीन लिया उसने। मैंने भी उसकी बीवी मारिया के साथ वही सब कुछ किया जो वो दूसरी लड़कियों के साथ किया करता था। उसकी बीवी मारिया से ही मैंने उसके घर में चोरी करवाई 10,00,000 रुपए की, और उसकी मासी को भी मैंने इसी वजह से मारा ताकि आप लोग उलझ जाएं और मैं हारून को आसानी से मार सकूं। बेशक हारून एक कड़ी सजा का मुस्ताहिक है, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी को नहीं है।
माशरे में अदल कायम ना होने की एक बड़ी वजह यही है कि तुम जैसे खुद इंसाफ करने वाले ना इंसाफी की एक ऐसी रस्म कायम कर देते हो जिसका तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। ले चलो उसे।